हाय दोस्तों, मैं हूं शिवम और स्वागत करते हैं फिर से एक ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी के साथ में। आज हम आ चुके हैं वृंदावन के अंदर। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग हमारी जो चैनल पे डेली बेसिस में बहुत सारी वीडियोस आप देखते रहते हैं दोस्तों, तो आज मैं ऐसी प्रॉपर्टी आज आपको देने वाला हूँ दोस्तों, जो की वृंदावन की लोकेशन बहुत अच्छी है। देखिये, मैं आपको क्यों बताता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा आप आगे आइए। देखो, मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि मैंने कल भी एक वीडियो डाली थी 1BHK की, तो मैं क्या चाहता हूं कि हमारे जितने भी ऑडियंस हैं, जो लोग हमें देखते हैं, तो मैं क्या चाहता हूं कि वो हर कोई वृंदावन में बास कर सके, चाहे जिसके पास में पैसा कम हो या ज्यादा हो, ठीक है। क्योंकि वाकई बिहारी जी ये नहीं देखते हैं कि आप पैसे वाले हैं, आप गरीब हैं, आप आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आज मैं जो आपको देने वाला हूं, दोस्तों मैं चाहता हूं जैसे कि बिहारी जी हर किसी को, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, मतलब चाहते हैं कि वृंदावन में आए और वास करें, क्योंकि मतलब नहीं है पैसों से। तो इसलिए दोस्तों, आज मैं भी अपने चैनल के माध्यम से काफी लोगों की मदद कर रहा हूं, और इस तरीके से मैं भी चाहता हूं कि जिसका बजट कम हो और जो वृंदावन में वास करना चाहता हो, और जिनके मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, इनके पैरों में किसी में प्रॉब्लम है, घुटनों में प्रॉब्लम है, तो उन लोगों के लिए आज मैं लेके आया हूं दोस्तों। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर जो आप देख सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर है मेरे पास में, जो आज यूनिट अवेलेबल है, ग्राउंड फ्लोर है। सबसे प्लस पॉइंट ये है ग्राउंड फ्लोर और कॉर्नर की, मतलब सबसे बड़ी बात होती है कि पहली बात तो हमें ग्राउंड फ्लोर प्रॉपर्टी मिलती नहीं है, फिर मिल भी जाती है तो वो कॉर्नर की नहीं होती है। तो ग्राउंड फ्लोर, कॉर्नर और टू साइड ओपन, ये चीज मैं आपको भूल गया था, ये टू साइड ओपन क्यों है ये बता देता हूं। ये हमारा गेट रोड है बराबर में जो आपको दिख रहा है, ठीक है, और ये हमारा एक फ्रंट है जो इसका मेन गेट है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, टू साइड ओपन और ग्राउंड फ्लोर कॉर्नर की आज मैं आपको 1BHK की फुल्ली फर्निश्ड प्रॉपर्टी देने वाला हूं दोस्तों। इसमें जो जो सामान आज आपको दिखेंगे, वो सारी चीज आपको इसके साथ में मिलेंगी, मतलब आप लगा सकते हैं कि इसमें एक दो चीज छोड़ के सारी चीज है इसके अंदर। अब दोस्तों, मैं स्टार्टिंग से आपको सारी चीज दिखाता हूँ वन बाय वन, तो जो आपको पता चलेगा, फिर मैं आपको इसकी प्राइस वगैरह की सारी चीज आपको बताऊंगा वन बाय वन। सबसे पहले आप जैसे एंटर करते हैं तो ये आपको मिलता है नॉर्मल कॉमन एरिया, यहाँ पे अपने गेस्ट वगैरह आते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज इन्होंने की है, ये यहाँ पे पार्टीशन बना दिया, क्योंकि पार्टीशन से क्या रहता है कि ये लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे, और अंदर जो लोग माताएं बहने हमारी काम करती हैं उनको भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। चिमनी ऑलरेडी लगी हुई है ग्रीन, देख सकते हैं कंपनी की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से आपको पूरा मॉड्यूलर का फील मिलता है, पूरा मॉड्यूलर किचन है, सारी चीजें क्रॉस वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमने लगा रखा है दोस्तों। मतलब देखो दोस्तों, फ्लैट बहुत अच्छा है, सारी चीज है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, पूरा टाइल वर्क आप देख सकते हैं, पूरा टाइल वर्क हो रखा है, क्योंकि वृंदावन में थोड़ा सा सीलन का प्रॉब्लम रहता है, वो हर सोसाइटी में है, पुरानी हो नई हो, तो इसलिए यहाँ पर हमने पूरा टाइल कर रखा है, टाइल का वर्क लगा रखता है, ठीक है। ये हमारा वॉशरूम है, आप वॉशरूम देख सकते हैं, ये वॉशरूम आप देख सकते हैं, वॉशरूम में भी पूरा टाइल वर्क हमने पूरा कम्प्लीट करा रखा है। अभी रिसेंट में हमने ये वाली टाइल नहीं लगाई है, और ऊपर की टाइल जो हमारी थी वो है, इसके अंदर गीजर ऑलरेडी हमने लगा रखा है, थोड़ा सा ओल्ड है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, सोसाइटी हमारी जो फ्लैट है वो ग्राउंड फ्लोर है, सोसाइटी थोड़ी सी पुरानी है, क्योंकि देखो हम, मैं बड़ी बड़ी सोसाइटी की बात करता हूँ, नियर प्रेम मंदिर के पास में जिनमें 50 लाख के फ्लैट है, उन भी सोसाइटियों में भी जरूरत रहता है रेनोवेशन का, तो हर सोसाइटी एक टाइम पे आके रेनोवेशन मांगती है, तो ऐसे ही ये भी सोसाइटी है, इसलिए मैं अभी आपको अच्छे रेट में ये प्रॉपर्टी दूंगा, और इसमें आपको रेनोवेशन वगैरह का भी काम चल रहा है, जैसे रोड वगैरह, क्योंकि हमारा पीछे एक प्रोजेक्ट बन रहा है 2BHK और 1BHK का, इसलिए अभी थोड़ा सा काम चल रहा है, बट बाकी सोसाइटी बहुत अच्छी है, लोकेशन, क्योंकि सबसे मेन चीज कि आप एंट्री करते हो ना, जैसे ही एंट्री करते ही हमारा फ्लैट पड़ता है आपके, और बराबर में काफी अच्छा स्कूल, CBSE बोर्ड का स्कूल आपको मिल जाता है सारी चीज। अब दोस्तों, मैं यहाँ पे डायरेक्ट बुलाता हूँ उनके ओनर को, जो आपको सारी चीज एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन, और आपको बताएंगे प्राइस के बारे में क्या क्या चीज देने वाले हैं, क्योंकि देखो मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि हमारा कोई भी बीच में कोई ब्रोकर नहीं रहता है, हमारी जो प्रॉपर्टी रहती है वो डायरेक्टली ओनर रहती है, ओनर टू ओनर, और जब भी आप आते हो तो मैं आपको ओनर टू ओनर डायरेक्ट डील कराऊंगा, जो भी नेगोशिएशन रहता है, कुछ भी रहता है, डायरेक्ट उनसे बात कर सकते, तो मैं डायरेक्टली ओनर को बुलाता हूँ और वो आपको सारी चीज बताएंगे। राधे राधे सर, और फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे, आप पहले ही बहुत लोग आपको जानते हैं और बहुत सारे और सबको पता भी है, तो आज बताइए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए क्या क्या है, और आप लोग मतलब हम लोग वृंदावन से ही हैं, तो पूरा थोड़ा सा बताइए, जो लोग बाहर से ये वीडियो देख रहे हैं, कहाँ कहाँ आएंगे वृंदावन आना है, तो कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, क्या क्या है, और यहाँ से क्या क्या उनको बेनिफिट मिलता है अगर वो यहाँ पे प्रॉपर्टी लेते हैं तो। सबसे पहले राधे राधे मेरे सभी देशवासियों को, मेरे सभी प्यारे हिंदुस्तानी मेरे भाई और बहनों को। जैसे कि शिवम जी ने बताया, मेरा नाम पंकज, मैं वृंदावन से हूँ, और जैसे कि इन्होंने बताया, मैं इनके चैनल पे पहले भी कई बार आ चुका हूँ, तो एग्जैक्टली इन्होंने सही बताया
कई प्रॉपर्टी इन्होंने हमारी सेल भी कराई है, काफी अच्छे, लाइक अगर मैं प्राइस की बात करूँ, लोकेशन की बात करूँ और फ्लैट की बात करूँ, तो काफी अच्छे प्राइसेस में भी सेल कराई है, जो एक बेनिफिट होता है कस्टमर्स के लिए भी। ऐसा नहीं कि इन्होंने हमारे पेज रख के हमारे एक पोर्टफोलियो की बात करूँ, हमारे प्रॉफिट कराया, ऐसा नहीं, कस्टमर की तरफ भी इनका रहता है। तो बहुत अच्छे चीप एंड बेस्ट प्राइस में प्रॉपर्टी लाकर देते हैं औरों को। तो अब बात करते हैं हम अपने इस 1BHK फ्लैट की, जो कि हमारा रुक्मिणी विहार में, जैसे कि बताया शिवम जी ने, इन्होंने एकोमोडेशन भी बताया क्या क्या हम इस फ्लैट में देने वाले हैं, आप देख ही रहे हो इन सबको। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, जो भी इस फ्लैट को लेगा, तो अगर मैं बात करूँ, जो ठाकुर जी को मानेगा वो ही आते हैं वृंदावन में, और ठाकुर जी हर किसी को नहीं बुलाते हैं, किस्मत वाले लोग ही यहाँ विजिट करते हैं। वृंदावन में भी उन्हीं का, अगर मैं बात करूं वृंदावन में हर कोई नहीं आता, ठाकुर जी इसको परमिशन देंगे वो ही आता है दर्शन करने के लिए, सबके नसीब में नहीं है कि ठाकुर जी के दर्शन करें। आजकल ये मैं देख रहा हूँ बहुत सारा सोशल मीडिया पे, आप देख रहे हैं इतने आज वृंदावन का जो क्रेज चल रहा है आज की डेट में, मतलब बड़े बड़े लोग, मतलब फिल्म स्टार आप देख रहे हैं, सारे लोग डेली बेसिस में आ रहे हैं, तो वो लोग जहाँ पे जाते हैं उस चीज की कनेक्टिविटी, क्योंकि लोग सोचते हैं कि वो वृंदावन कोई दूसरा वृंदावन है, हम जो दिखा रहे हैं वो दूसरा है। नहीं, जैसे कि आपने बताया जो कि बड़े बड़े लोग आते हैं, चाहे हमारे देश के पीएम हो, चाहे हमारे यूपी के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो योगी आदित्यनाथ जी, चाहे मैं फिल्म स्टार सेलिब्रिटी की भी बात करूंगा, कोई भी सही, यहाँ से वो सिर्फ और सिर्फ बांके बिहारी मंदिर जाते हैं, ठाकुर जी के जिन्हें हम मंदिर बोलते हैं, और यहाँ से अगर उसकी कनेक्टिविटी की बात करूंगा इस फ्लैट से, मात्र 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे इजीली कनेक्टिविटी, आप फ्लैट से निकलोगे ऑन रोड आ जाओगे, ऑन रोड आके 10 रुपए या 20 रुपए इलेक्ट्रिक जो रिक्शे होते हैं वो लेते हैं और आपको बांके बिहारी मंदिर पे उतार देते हैं। इस्कॉन की बात करूं, ओनली ऑन 1 किलोमीटर पे इस्कॉन टेम्पल है आपका, और 700 से 800 मीटर डिस्टेंस पे आपका ये प्रेम मंदिर है, जो कि रात को लोग बहुत बहुत दूर से देखने आते हैं, बहुत प्यारा नजारा है। प्रेम मंदिर के पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है, प्रेम मंदिर नाम क्यों रखा गया इसका, क्योंकि हमारे जो ठाकुर जी हैं और जो राधा जी हैं, वो वृंदावन में उन्होंने अपना राज किया, वृंदावन में रहे, मथुरा में जन्म लिया, मथुरा में जन्मभूमि है, तो वो अक्सर जब प्रेम मंदिर वाली जगह है यहाँ वो आया करते थे, पहले घूमने आ रहे हैं ठाकुर जी, यहाँ बहुत घूमते थे ऐसे ही। भैया अगर मैं बात करूँ फ्लैट, जैसे कि मैंने भी देखा, आपने भी देखा और काफी लोग विजिट भी करते, काम आपने इसमें हकीकत में ही काम करा रखा है, क्योंकि चीज दिख रही है, अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो भी आपने काम कराया है, और इधर से कोई सीधा काम बहुत करा रखा है आपने। और अगर हम बात करें दोस्तों कि प्राइस की, अगर हम बोल रहे हैं फाइनल प्राइस एक बार बता दीजिए भैया, तो प्राइस हमारा प्राइस एक ही है, मैंने पहले भी इसको बंद कर दिया, एक ही प्राइस है हमारा 24.5 लाख रुपए, जो कि आपका मान सम्मान रखा गया है। वृंदावन की गारंटी मैं लेता हूँ, आप भी उसका अच्छा पूरे वृंदावन में अगर कुछ सस्ता दे जाए ऐसा फ्लैट, मैं मात्र 50% में उसको ये फ्लैट दे दूंगा, आपका मान सम्मान पूरा रखा जाएगा, जो आएंगे ऑन टेबल जो आप डील कराओ देख लेंगे, ऐसा नहीं, लेकिन ज्यादा उम्मीदें मत बांधना कि मैं 1-2 लाख रुपए कम कर लूं, ऐसा कुछ नहीं है, 24.5 लाख में जो भी मान सम्मान वाली बात होती है वो ही रखा जाएगा, ऐसा नहीं कि मैं ज्यादा डाउन हो जाऊं, ऐसा कुछ नहीं। तो दोस्तों आप आइए, सबसे पहले विजिट कीजिए, देखिए प्रॉपर्टी कैसी है, ठीक है, और अगर आपको पसंद आती है फिर आगे जो भी बात रहती है 24.5 डिमांड है, बाकी ऑन टेबल जो भी रहेगा मान सम्मान के लिए आपके लिए करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब।